आज दुनिया के हालत हम देख रहे हैं कितना बिगड़ रहा है, इतना बिगड़ रहा है जो वो देखने से अंदर ही अंदर इस दुनिया पर हमको वैराग्य आता है। जब तक सभी के मन में वैराग्य नहीं आएगा तब तक विनाश नहीं होगा। तो ये कोरोना वायरस ने तो बहुत अच्छा सभी को वैराग्य दिलाया है। मैं आपको 12 बातें सुनाने वाली हूँ। तो जैसे ही ये कोरोना वायरस शुरू हुआ, पहले कोरोना वायरस कहेंगे COVID-19 कहेंगे, जैसे ही ये शुरू हुआ, जैसे ही ये कोरोना वायरस का COVID-19 का शुरू हुआ, तो तीसरा गवर्नमेंट से सभी को ऑर्डर हुआ क्या करो, लॉकडाउन करो। तो सारा वर्ल्ड में ये फैला हुआ है लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। इतना दिन, 20 दिन, 2 महीना, 1 महीना, कितना दिन तक लॉकडाउन चला। और लॉकडाउन के साथ साथ चौथा चला सील डाउन। लॉकडाउन जनरली, सील डाउन पर्टिकुलर एरिया में सील डाउन किया था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ 6 गज की दूरी रखो, डिस्टेंस मेंटेन करो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। फिर उसके साथ साथ कहा क्वारंटाइन रखो, कुछ मतलब दूरी रखो, अकेला अकेला रहो। फिर सातवां मास्क पहनो और आठवां सैनिटाइजर यूज करो। ये सब ऑर्डर हुआ, तो ये सब हम सभी जानते हैं। और उसके बाद कुछ होता है, कोल्ड होता है, फीवर होता है, तो क्या बोला, हॉस्पिटलाइज हो जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ। और हॉस्पिटल के साथ साथ नेगेटिव है पॉजिटिव है ये टेस्ट कराओ। 10 बातें हो गई। फिर ये तो 10 बातें हम दुनिया की सुनी, लेकिन बाबा हम बच्चों को 2 बातें कहता है। आम सारी दुनिया, खास भारत। सुना है ना, आम सारी दुनिया खास भारत। तो टोटल 12 बातें। तो एक एक हम जो विचार चला दादियों के क्लासेस से, जो पॉइंट्स मिले, मैं वही शेयर करना चाहती हूँ। तो पहली बात, तो बाबा का घर क्या है? बाबा ने साकार मुरली में हमेशा कहते हैं, बाबा का घर जो है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। वो लौकिक में है जिस माने हॉस्पिटल, जिस माने यूनिवर्सिटी, ये है रूहानी हॉस्पिटल रूहानी यूनिवर्सिटी। वहां डिग्री की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, लेकिन बाबा यहां पर क्या पढ़ाते हैं? एक सरला दादी ने क्लास कराया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग था तो मैं वो सुन रही थी। तो उसमें दादी ने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया, यहाँ की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। तो यहाँ पर बाबा हम बच्चों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी सुनाते हैं। तो हिस्ट्री किसको कहेंगे, ज्योग्राफी किसको कहेंगे? तो दादी ने बहुत सुंदर तरीके से दादी ने एक्सप्लेन किया, हिस्ट्री माना आत्मा के सतो रजो तमो और तमो प्रधान स्टेज को हिस्ट्री कहेंगे। तो आत्मा सतयुग में क्या थी? सतो प्रधान थी। फिर वहां से त्रेता में आई, त्रेता में आने के बाद सतो बन गए। फिर त्रेता से द्वापर आए, द्वापर का स्टेज कौन सा था? रजो। रजो। फिर वहां से हम आए तमो, माना कलयुग के अंत में अब क्या बन गए? तमो प्रधान हो गए। तो ये हिस्ट्री हम सभी को पता है, ये हिस्ट्री दुनिया वालों को पता नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये हिस्ट्री बाबा हम बच्चों को सिखाता है। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी किसको कहते? इस दुनिया की स्टेज पहले भारत क्या था? गोल्डन एज था। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आया, सिल्वर एज से कॉपर एज में आया, कॉपर से आयरन एज में आया। ये ज्योग्राफी बाबा ने हम बच्चों को सिखाया।
तो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का डेफिनेशन सरला दादी ने बहुत अच्छा एक क्लास में सुनाया था, तो वो मेरे को याद आ रहा था। अभी देखिए वायरस जो कोरोना जो है कहाँ शुरू हुआ? चाइना में शुरू हुआ। बाबा हमेशा कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशन्ति। वायरस जो स्टार्ट हुआ वो चाइना से हुआ, ईस्ट से शुरू हुआ। ईस्ट में चाइना, जापान, इंडिया, एशिया ये सब, और वेस्ट में अमेरिका। तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर मरे हैं? अमेरिका में मरे हैं। आप सभी को पता होगा चाइना में बुद्धिस्ट रहते हैं। बुद्ध धर्म वाले सिर्फ वैल्यूज को ही वैल्यू देते हैं, वैल्यूज को वैल्यू देते हैं, लेकिन वहां परमात्मा के बारे में बुद्ध धर्म में कुछ भी नहीं कहा है। और बाकी सब धर्मों में गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, अल्लाह एक नूर है, ऐसा शब्द सुनाए है, लेकिन चाइना में दूसरे धर्म को चाइना के अंदर अलाउ नहीं है। गोपी बहन ने एक क्लास कराया था, उसमें एक अनुभव उसने शेयर किया। एक माता, वो दूसरे देश में रहती थी लेकिन वो थी चाइना की, तो वहां पर उसको ज्ञान मिला, बाबा का ज्ञान मिला, तो वो बाबा का ज्ञान सुन के इतना पक्की हो गई। फिर एक बार क्या हुआ, ये बाबा से मिलने मधुबन गई, अव्यक्त बाप दादा से, तो बाबा के सामने गई, तो बाबा ने कहा, बाबा से पूछते, बाबा मेरे को चाइना में जन्म मिला है, वहां मैं कुछ भी सेवा नहीं कर सकती, तो ऐसा देश में मेरे को जन्म मिला है, तो आप तो कहते हैं सेवा करो, सेवा प्रजा बनाओ, सेवा करो। फिर बाबा ने उसको कहा, इसके बारे में आप चिंता नहीं करो, सेवा तो हो रहा है, तो सेवा जो है मनसा भी कर सकते हैं, वाचा नहीं करो ठीक है, अपनी चाल चलन से सेवा कर सकते हो। तो बाबा का परिचय आपको देना है, लेकिन चाल चलन से देना है, वाचा से नहीं दो तो कुछ नहीं। तो ऐसे ये वायरस भी जो है ना चाइना से शुरू हुआ है। बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं, आपको पता है मेरे को कोई ने कोर्स नहीं कराया है, मैं अपनी इंटरेस्ट से जो जो क्लासेस कराते ना उस समय सुन 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 करके मैं अपने को ये किया, लेकिन कोई भी डाउट होता था ना मैं सरला दादी से शेयर करती थी। दादी को मैंने एक बार बोला, दादी मुझे कल्प वृक्ष के बारे में पता नहीं है, ये कैसे एक्सप्लेन करना है। फिर दादी ने मेरे को एक्सप्लेन किया कल्प वृक्ष कैसे एक्सप्लेन करना है, तो बहुत सिंपल रीति से दादी ने एक्सप्लेन किया था। और बार बार क्लास में भी दादी ने ये रिपीट भी कराया है। आप सभी को याद होगा जिसने सरला दादी का क्लासेस अटेंड किया है, तो आत्मा की स्टेजेस कैसे सतो रजो तमो होती है, तो वो कल्प वृक्ष के चित्र पर दिखाया है। बाबा हमेशा कहते हैं ना ये तीन चित्र, कौन सा, त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, ये चार चित्र के सामने बैठ करके उसका विचार सागर मंथन करो। तो ये वायरस आने के बाद मेरे को थोड़ा विचार चला कि कल्प वृक्ष के पिक्चर पर आप लोगों ने देखा होगा दो बिल्ली लड़ती है, बाबा मुरली में कहते ना दो बिल्ले लड़े और मक्खन किसको मिलता है, भारत को मिलता है, और उसमें दो बिल्ले कौन सा है, रशिया अमेरिका नहीं है, एक है अमेरिका और दूसरा है कम्युनिस्ट ग्रुप, तो वो है चाइना। उसमें देखिए कल्प वृक्ष के पिक्चर पर, तो ये दोनों लड़ेंगे और मक्खन किसको मिलता है, भारत को मिलता है, वो प्रैक्टिकल हम आज देख रहे हैं। और दूसरी बात, COVID-19 कहते हैं क्यों पता है, कोरोना वायरस को COVID-19 कहते हैं। ये क्या है, एक डीप राज है इसमें भी, 19 में भी। कोविड जो है शुरू हुआ था नवंबर 2020
2019 में शुरू हुआ। तो 19 नंबर देखिए, 1 और 9। मैथमेटिक्स के हिसाब से आप देखेंगे नंबर ही ओनली 9 ही है। 9 नंबर को हम अनेक करोड़ तक लेके जाते हैं, बाकी तो सब रिपीटेड नंबर्स है। 1 to 9 इज द नंबर, बाकी उसके साथ हम ऐड करते हैं। एक के बाजू में 0 डालो 10 करेंगे, एक के बाजू में 1, 2, 3 ऐसा हम ऐड करते गए। समझ में आ रहा है ना? तो 1 to 9 यही नंबर है, संपूर्ण नंबर माने 1 to 9। इसका मतलब COVID-19 इसलिए कहते, एक तो वो 2019 में शुरू हुआ और दूसरा सारे जगत को उसने हिला के रखा है ना, सारे वर्ल्ड को हिला दिया ना COVID-19 ने, इसलिए उसको COVID-19 कहते। तो ये भी एक परीक्षा की घड़ियां है हम सभी का, अपने आंतरिक स्थिति को बनाने के लिए। तो जैसे ही कोविड का अटैक होता है, कोविड का अटैक होता है तो क्या कहते हैं, तो 7 बातें उसमें दिखाते हैं, कोविड का वायरस का 7 बातें। तो पहली बात, जब हमको कोविड होता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। वैसे भी देखो प्राणेश्वर कौन है, कौन है प्राणेश्वर? प्राणदाता शिव बाबा है, शिव बाबा प्राणदाता है। प्राणेश्वर शिव बाबा सभी को प्राण देता है, लेकिन कोविड कोरोना वायरस ने सभी का प्राण लेता है। बाबा प्राण देता है, ये कोरोना वायरस प्राण लेता है। जैसे बाबा हमको कहते हैं ना, श्वासो श्वास मुझे याद करो, तो पहले वो अटैक करता है श्वास पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अटैक करता है ये वायरस। क्या होता है, लंग्स में जो ऑक्सीजन हमको लेने का होता है उसमें वो ब्लॉक कर देता है, कफा से उसको ब्लॉक कर देता है। फिर उसको पहली बात सिलेंडर ऑक्सीजन देना पड़ता है, पहला ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन देना पड़ता है। दूसरी बात कोल्ड कॉफ के कारण स्टीम लेना पड़ता है, और स्मेल मालूम नहीं पड़ेगा, टेस्ट मालूम नहीं पड़ेगा, फिर फीवर आएगा, टायर्डनेस होगा, और जल्दी से जल्दी सब में स्प्रेड होता है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेते हैं, लॉकडाउन। तो अभी किसको लॉकडाउन करना है और किसको सील डाउन करना है, वैसे तो हम सभी जानते हैं एक वायरस का, लेकिन उसको हम ज्ञान के आधार से देखा जाए तो आध्यात्मिक भाषा में यही कहेंगे, रावण को लॉकडाउन करना है, माया को सील डाउन करना है। रावण कौन है, माया कौन है? रावण को 10 शीश दिखाते हैं ना, उसमें हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, पंच विकार स्त्री के, पंच विकार पुरुष के, दोनों मिलाकर के 10 शीश वाला रावण दिखाते हैं। तो 10 शीश वाला रावण को क्या करना है, अभी लॉकडाउन करना है और सील डाउन करना है माया को। माया उसको कहते हैं, अपनी कमजोरी को ही माया कहा जाता है। तो कमजोरी कहाँ आता है, कमजोरी आता है पहले हमारे मन में। माया किस रूप में आती है, व्यर्थ संकल्प के रूप में आती है, तो इसीलिए उसको अभी सील डाउन करना है, माया को सील डाउन करना है और रावण को लॉकडाउन करना है। तो उसके लिए अभी हमको क्या करना है, रावण को लॉकडाउन करने के लिए मध्याजी भव और माया को सील डाउन करने के लिए मन मना भव। मध्याजी भव और मन मना भव, मना क्या है, मन मना भव और मध्याजी भव, ये गीता के शब्द है, बाबा हम बच्चों को मुरली में बार बार सुनाते,
मन मना भव मना, मन मेरे में लगाओ, मन बाबा को दे दो तो बाबा मन में बसेगा। जब बाबा मन में बैठा है, हमारे मन में बाबा है, तो दूसरा संकल्प हमको आएगा ही नहीं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव मैं सुनाती हूँ। जैसे मेरे को हाथ कट गया ना, उस समय एक व्यर्थ संकल्प हो या डर वाला संकल्प हो, कुछ भी नहीं आया उस समय। एक ही शब्द मेरे को, वही मनीषा थी ना साथ में, तो मैं अभी हॉस्पिटल जाना है, जो होता है देखेंगे। एक संकल्प भी, कैसे होगा, क्या होगा, अभी हाथ कट गया, बहन जी क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या, कितना आने का चांसेस है उस समय। लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है, एक संकल्प भी मुझे उस समय नहीं आया। मैं बाबा 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 बाबा, एक शब्द बाबा। क्योंकि प्रैक्टिकल जब हमारे सामने परिस्थितियां आती है ना, तभी हमारी स्टेज की वेरिफिकेशन होता है। जब तक परिस्थिति नहीं आती है, तब तक हमारी स्टेज कैसी है, क्या है, हम नहीं समझ पाते। परीक्षा आने से ही ना हमारा रिजल्ट निकलेगा, परीक्षा नहीं हो तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करने के लिए, व्यर्थ संकल्प को सील डाउन करने के लिए, हमको विशेष करके मन में बाबा को बिठाना है। मन मना भव, और कहते मध्याजी भव, मध्याजी भव मना। अभी त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो उसमें मध्य में कौन है, विष्णु है। तो विष्णु के राज्य को याद करना, उसको कहते मध्याजी भव। मध्य में जो है उसमें अब टिक जाओ, भव माना टिकना। तो विष्णु के राज्य को याद करो, मतलब स्वर्ग को याद करो, अपने आदि अनादि स्वरूप को, आदि स्वरूप को याद करो। स्वमान में रहो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो अपने आप क्या होगा, लॉकडाउन हो जाएगा। रावण को ऐसे लॉकडाउन करना, क्या किया लॉकडाउन के बाद, डिस्टेंस कीप अप किया। वही तो ऑर्डर मिला था ना गवर्नमेंट से, 6 गज की दूरी रखो, डिस्टेंस कीप अप करो, या क्वारंटाइन रहो। तो यहां हमको बाबा यही सिखाता है। आप सभी को पता है यज्ञ में जब भट्टिया, जिस जिसने चौटरी में भट्टी अटेंड किया हो, दादी का, सरला दादी का भट्टी, दादी जो भट्टी कराती थी ना, चौटरी में कराते थे, क्योंकि हमारे पास कोई योग भवन नहीं था ना उस समय। तो दादी विशेष करके 3 दिन की भट्टी कराती थी। तो पहला दिन आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति, अशरीरीपन की अनुभूति, ऐसे कराते कराते फिर फरिश्ता स्वरूप का, सेकेंड डे शाम तक फरिश्ता तक हमको लेके जाती थी। आत्म अभिमानी कैसे बने, देह भान और देह अभिमान, विशेष दादी का इस टॉपिक पर क्लास होता था फर्स्ट डे। देह अभिमान क्या है, देह भान क्या है। तो देह अभिमान देह भान से हम कैसे मुक्त हुए, तो उस समय दादी विशेष कहती थी, अंग अंग से नहीं लगना है। जब भट्टी में बैठते हैं ना, एक दूसरे को टच करके नहीं बैठो। तो दादी कहती थी अंग अंग से नहीं लगना है। तो वही अभी बाहर वाले क्या कहते हैं, डिस्टेंस की मेंटेन कर, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर। तो ये बाबा ने हमको अनुभव कराया। तो इसमें हमको कोई तकलीफ हो रहा है, क्योंकि इन एडवांस बाबा ने हम लोगों को सारे जो सिम्टम्स हम बाहर अभी ये वायरस के कारण देखते, सब कुछ बाबा ने हमको तैयार किया हुआ है। लेकिन आज नाम वो टेक्निकल रूप से दे रहे हैं, बस क्वारंटाइन रहो, क्वारंटाइन रहो मना दूर रहो, अकेला बन जाओ। अकेला कैसे बने, तो इसलिए भी बाबा ने कहा, इसको ही कहते तपस्या करो, त्याग तपस्या करो। तो यही है डिस्टेंस मेंटेनिंग, न्यारा बनो, और न्यारा बनना है, सबसे न्यारा बनना है। बाबा ने, वो लोग तो सिर्फ शरीर का डिस्टेंस कहते, बाबा तो अपने शरीर से भी न्यारा बनो, ये बाबा ने हमको सिखाया।
शरीर से भी न्यारा बन जाओ। अपना शरीर ही पहले हमको दुख देने वाला है, दूसरा बाद में देता है, अपना ही शरीर समय पर सहयोग नहीं देता है। तो न्यारा बनो और बाबा का प्यारा बनो, यही सोशल डिस्टेंस हमको मेंटेन करना है। तो इसके लिए तपस्या करना है और वैराग्य आना चाहिए। जब तक वैराग्य नहीं आता है तब तक तपस्या नहीं हो सकती। और फिर उसके बाद कहा, मास्क पहनो, सैनिटाइजर का यूज करो, यही कहते हैं ना वायरस में। तो हमारा मास्क कौन सा है, बाबा ने कौन सा मास्क हमको दिया है, मौन रहने का, बाबा की छत्र छाया में रहने का और आत्माभिमानी रहने का और बैज लगा के रहो और अंतर्मुखी होकर के रहो, साइलेंस और बाबा के साथ रहो। तो बाबा ने हम बच्चों को मास्क लगाया, दूसरों को नहीं देखो, अपने को देखो, पर दर्शन नहीं करो। तो ये मास्क बाबा ने हम बच्चों को लगाया। जब दूसरों को देखते हैं ना, ये क्या करता है, वो क्या करता है, कल दादी ने कहा था ऐसे भी होता है वैसे भी होता है, ये क्यों ऐसा किया, वो क्यों ऐसा किया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, कल गुलजार दादी के क्लास में सुना होगा ना। तो हम दूसरों को देखते हैं, तो दूसरों को जब हम देखते हैं तो हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने हमको मास्क पहनाया, दूसरों को नहीं देखो, परदर्शन नहीं करो, पर चिंतन पर दर्शन से हमको अभी मुक्त बनना है। न किसी को देखना है, न किसी के बारे में सोचना है, कुछ भी हो, यही तो सिखा रहा है ना दुनिया की परिस्थिति, यही बातों को सिखा रहा है ना। किसी को नहीं देखो, अपने को सेव करो, अपने को बचाओ, अपने को संभालो, अपने को करो। तो ऐसे हम भी अपने को एकाग्र होकर के, अंतर्मुखी होकर के अपने को चेकिंग करना है। अभी दूसरों को चेक करने का समय गया, दूसरों को देखने का समय भी गया, तो अभी हमको क्या करना है, अपने को अंतर्मुखी होकर के अपने को चेक करना है। आज दुनिया और क्या कहते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव है या पॉजिटिव है कोरोना, चेकअप कराओ, यही कहते हैं ना बाबा, यही हम बच्चों को कहते हैं। सारी दुनिया आज क्या है, हॉस्पिटल है, हर एक आत्मा रोगी है, पांच विकारों का रोग के साथ साथ शरीर का भी रोग है, डबल रोगी है। तो बाबा कौन है, प्राणेश्वर बाबा, सुप्रीम सर्जन बाबा आया है हम सभी बच्चों को, सारी दुनिया को रोगों से मुक्त करा के स्वर्ग की स्थापना करने। एक बाबा के सिवा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि दो बातें होती, एक है आत्मा पुरुष और दूसरा है प्रकृति, प्रकृति और पुरुष दो बातें। तो पुरुष कौन है, आत्मा है, तो आत्मा को चेंज करने वाला कौन है, परमात्मा, परमात्मा के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। और नेचर को चेंज करने वाला, नेचर को बदलने वाला कौन है, समय, समय ही बदलता है। जब समय आता है ना, नेचर अपने आप बदलता है। आत्माओं को बदलने वाला परमात्मा है, नेचर को बदलने वाला समय, हम इजी शब्दों में ये कहते ड्रामा, नेचर को बदलने वाला ड्रामा। तो इसलिए मेरे को ये सब विचार चल रहे थे, तो मैंने कहा आप सभी से ये विचार शेयर करूं। तो थैंक यू, आप सभी बाबा के घर में पधारे और थोड़ा सा डिस्कशन करने का चांस दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी मिलकर के बाबा को, अच्छा, ओम शांति।